जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल की लब आजाद है तेरे। न्यूज क्लिक पर मेरे साथ नमस्कार। बोल के लब आजाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा। सुप्रीम कोर्ट इसके समाधान के लिए जमीन आसमान एक किए हुए है, जल्द से जल्द इसका समाधान चाहती है। 17 नवंबर से पहले ये उम्मीद की जाएगी कि इसको लेकर एक फैसला आ जाएगा, खासकर सुन्नी वक्फ बोर्ड के ताजा तेवरों से, जिससे राजनीतिक गलियारों में जबरदस्त हलचल है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हमारी मीडिया उसके लिए क्या तैयारी कर रही है, तो आपके स्क्रीन्स पर एक छोटा सा स्क्रीनशॉट है। देश के तथाकथित सबसे लोकप्रिय चैनल में ये शो देर रात दिखाया गया था, जो ये कहता है कि जन्मभूमि हमारी, राम हमारे, मस्जिद वाले कहां से पधारे। ये कोई सड़क पर चलता व्यक्ति नहीं है, कोई ट्रोल नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदार न्यूज चैनल है जो इस तरह की भड़काऊ बातें चला रहा है। हालांकि भड़काऊ की बात कही जाए तो पिछले कुछ अरसे से हर छोटी मोटी घटना को लेकर न्यूज चैनल्स जो हैं, जो तेवर अपना रहे हैं, वो वाकई शर्मनाक है। मसलन एक और ट्वीट आपके सामने, ये पत्रकार जो हैं एक और बड़े चैनल से जुड़े हुए हैं और इन्होंने मुर्शिदाबाद में जो बंधु प्रकाश पाल और उनकी पत्नी, गर्भवती पत्नी और 8 साल के मासूम की जो हत्या की गई, उसे सीधे हिंदू मुस्लिम से जोड़ के देख लिया। हालांकि शुरू से ही जब से मामला सामने उभर कर आया था, ऐसे कोई प्रमाण नहीं थे, मगर एजेंडा पत्रकारिता, समाज में दंगा फैलाने वाली पत्रकारिता में जिस तरह से कुछ लोग लगे हुए हैं, वो सुधरने वाले नहीं। दोस्तों, मैं आपको आज एक बात चीज बताना चाहता हूं। 90 के दशक में मैं कॉलेज में था और हर हिंदू ब्राह्मण की तरह मैं भी चाहता कि राम मंदिर का निर्माण हो, मगर मेरे जैसे युवा 90 के दशक में यह नहीं समझ पाए थे कि इसकी कीमत देश क्या चुका रहा है, खासकर उसको लेकर जो सियासत चल रही है। देखिए, एक बात आज मैं स्पष्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी ये जो कहती है ना कि साहब राम में उनकी आस्था है, ये सरासर बकवास है और कुछ नहीं है। राम इनके लिए आस्था का विषय नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सियासत करना जानते हैं। और मैं आपको आज ये प्रमाणित करने जा रहा हूं। 90 के दशक में जब मैं ये मानता था कि राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, तब मैं नहीं जान रहा था कि उसके पीछे किस तरह की सियासत चल रही है। 90 की शुरुआत में जिस तरह से राम मंदिर को लेकर यह रथ यात्रा आडवाणी जी ने निकाली थी, वहां से जो दौर शुरू हुआ 1993 तक, यानी कि मुंबई के दंगों तक, और यह तमाम घटनाक्रम को इस वक्त मैं आपके स्क्रीन पर तस्वीरों के जरिए बता रहा हूं, सिर्फ आधिकारिक आंकड़ों में कम से कम 3,000 लोग मारे गए थे। और इसमें घटनाक्रम क्या हुआ था, सबसे पहले आडवाणी जी की रामरथ यात्रा, और यह रथ यात्रा जहां जहां से गुजरी वहां दर्जन दो दर्जन लोग दंगों में मारे जाते रहे। फिर बाबरी गिराया गया, और बाबरी गिराए जाने से पहले भी राम भक्तों पर मुलायम सिंह यादव की सरकार ने हमला करवाया था, उसमें भी कई लोग मारे गए। और फिर बाबरी के गिराए जाने के बाद दंगे हुए मुंबई में, 1993 में दंगे हुए, और कम से कम 3,000 लोग जो हैं वो मारे गए महज सरकारी आंकड़ों में। देश में कड़वाहट खटास पैदा हुई, वो एक दूसरा मुद्दा है, मगर उस वक्त के दौर में भी मीडिया इस तरह के भड़काऊ रवैया नहीं अपनाया हुआ था। और मैंने आपसे क्या कहा, राम मंदिर इनके लिए आस्था का विषय नहीं है, ये सिर्फ सियासत है। सुनिए 1993-92 में एक कार्यक्रम में जॉर्ज फर्नांडिस ने, आई विटनेस को दिए गए इंटरव्यू में जॉर्ज फर्नांडिस ने क्या कहा था कि राम रथ यात्रा आडवाणी जी ने सिर्फ इसलिए निकाली क्योंकि वीपी सिंह ने, इस शख्स पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह, स्वर्गीय वीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू कर दिया था। और वीपी सिंह ने भी मंडल कमीशन इसलिए लागू नहीं किया था कि उनको पिछड़ों की परवाह थी, क्योंकि उस वक्त यह शख्स देवीलाल उन्हें राजनीतिक चुनौती दे रहा था, और उस राजनीतिक चुनौती से उबरने के लिए उन्होंने मंडल कमीशन लागू कर दिया, और उसमें भी दर्जनों छात्र जो हैं वो मर गए थे। सुनिए जॉर्ज फर्नांडिस क्या कह रहे हैं। दिस पॉइंट गोज बैक टू 7th August 1990 व्हेन द मंडल कमीशन रिकमेंडेशंस वर इंप्लीमेंटेड। देयर वाज नॉइज़ फ्रॉम द बीजेपी, द
there were noises that the support of the government would be withdrawn. I went and met Lal Krishna Advani, and I told Advaniji that the direction that he was taking in terms of withdrawing support to the VP Singh government was not right. And you know Lalji's reply. Lalji said, "George, you have left us with no alternative but take to Hindutva." In other words, if 7th of August 1990 had not taken place, यानी कि मामला आस्था का नहीं था. अगर मंडल कमीशन ना लाया गया होता तो शायद राम मंदिर को लेकर आंदोलन भी नहीं होता. और अब भी यही हो रहा है. हमने राम मंदिर को राम राज्य का प्रतीक मान लिया है. राम राज्य क्या है क्या आप जानते हैं? जो लोग सिर्फ राम मंदिर को राम राज्य का प्रतीक मान रहे हैं वो न सिर्फ राम राज्य के साथ बल्कि राम के साथ, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं. इस वक्त आपके स्क्रीन पर ये बिलखती हुई औरत है, पिलखुआ हापुड़ में ये प्रदीप तोमर की विधवा है. जानते क्या हुआ प्रदीप तोमर के साथ? 35 साल का प्रदीप तोमर, पुलिस इसे ले जाती है और बुरी तरह से टॉर्चर करती है और प्रदीप तोमर की मौत हो जाती है. अकॉर्डिंग टू इंडियन एक्सप्रेस, तोमर वॉज किक्ड, पंच्ड, हिट विद प्लैंक्स ऑफ वुड, गिवन इलेक्ट्रिकल शॉक्स एंड पियर्स्ड विद अ स्क्रू ड्राइवर रिपीटेडली. स्क्रू ड्राइवर के साथ उसे टोचा जा रहा था, उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिए जा रहे थे. मगर क्या आप जानते हैं यह सब किसके सामने किया जा रहा था? उसके 11 साल के बच्चे के सामने. इस घटना के बारे में जब से मुझे पता चला है मैं अपने आप को उससे जुदा नहीं कर पा रहा हूं. मेरा भी 12 साल का बच्चा है. कल्पना कीजिए कि उस 11 साल के मासूम पर क्या गुजर रही होगी. उसके बाप को इस तरह से टॉर्चर किया जा रहा था. यह है रामराज्य आपका. ये वादा किया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि इस तरह का रामराज्य आएगा 2022 तक. और ऐसा नहीं है दोस्तों. सिद्धार्थनगर की एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं. यहां पर भी देखिए पुलिस किस बेरहमी के साथ एक व्यक्ति को मार रही है. पुलिस का कहना है कि साहब ये लड़ाई का मामला था, शख्स ने शराब पी हुई थी, इसके कोई प्रमाण नहीं है. आप देखिए किस तरह से पुलिस मार रही है उसे, उसके बच्चे के सामने, मासूम बच्चे के सामने. देखिए आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये वाकई रामराज्य है या फिर रामराज्य पूछिए इन 3 लोगों के परिवारों से. इस वक्त आपकी स्क्रीन पर ये 2 लोग हैं, संजय गुलाटी और फत्तोमल पंजाबी. ये दोनों पीएमसी बैंक में, मुंबई के पीएमसी बैंक में खाता धारक थे. इनका ढेरों पैसा इस बैंक में था मगर आरबीआई के दिशा निर्देशों के बाद अब वो पैसा नहीं निकाल पा रहे थे. संजय गुलाटी को हार्ट अटैक आया, उनकी मौत हो गई. और उसी तरह से फत्तोमल पंजाबी को हार्ट अटैक आया. फत्तोमल पंजाबी के परिवार के साथ यह हुआ कि इसी साल न सिर्फ उनकी बीवी बल्कि उनके दामाद की भी मौत हो गई थी. और अब कुछ दिनों बाद फत्तोमल पंजाबी की मौत. संजय गुलाटी की मौत हो गई है क्योंकि वो पैसा नहीं निकल पा रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. अब वो पीछे छोड़ गए हैं 5 लोगों का परिवार. अब इस शख्स पर गौर कीजिए, नाम है योगिता बिजलानी. अमेरिका के कोलंबिया से भारत आई थी और मुंबई में रहने लग गई थी. इन्होंने नींद की गोलियां लेकर आत्महत्या कर ली क्योंकि इनका करीब 90 लाख था पीएमसी बैंक में, निकलवा नहीं पा रही थी. मानसिक तौर पर क्षुब्ध थी, परेशान थी और इन्होंने आत्महत्या कर ली. जब अमरीका में थी तब भी इन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की होगी, जाहिर सी बात है वो खुश नहीं थी. और इस झटके के बाद उन्हें लगा कि उनके पास कोई चारा नहीं रह गया है. आज मैं आपसे पूछता हूं, जब सरकार बेबस खड़ी हो जाती कि साहब ये हमारा फैसला नहीं है, आरबीआई का फैसला है, आप किसको मूर्ख बना रहे हैं? वो आरबीआई जो आपके सामने नतमस्तक है, जिसकी इंडिपेंडेंस, स्वायत्तता को आपने 12 के भाव में लगा दिया है, अब आप मुझसे ये कह रहे हैं कि आप आरबीआई पे नियंत्रण नहीं कर सकते? आप कहना क्या चाह रहे हैं? और सवाल यहां पर यह कि यह आपका राम राज्य है?
राम के नाम पर लाए जा रहे इस रामराज्य में आप समस्याओं से ही इनकार कर देते हैं। सरसंघ चालक मोहन भागवत कहते हैं कि साहब आप गिरती अर्थव्यवस्था की बात मत कीजिए, क्योंकि इससे लोगों में आत्मविश्वास जो है उस पर असर पड़ता है। अमित शाह गृहमंत्री कहते हैं कि मोदी काल में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट और मजबूत हुआ है, जबकि आपने उसे कमजोर कर डाला। रविशंकर प्रसाद कहते हैं कि साहब एक दिन में 120 करोड़ फिल्म कमा रही है, इसलिए इकोनॉमी बहुत अच्छी है। ऑटो इंडस्ट्री में लगातार गिरावट आ रही है, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन क्या कहती हैं कि जो मिलेनियल है, जो युवा है, वो ओला और उबर में सफर कर रहा है। ओला और उबर में सफर कर रहा है कि नहीं, मगर मैं मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग किसी काल्पनिक पुष्पक विमान में हैं, अतीत काल के पुष्पक विमान में, और ये क्या उड़ान भर रहे हैं मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। आपकी और हमारी समस्याएं हैं, उसे आप इनकार कर रहे हैं, और सब कुछ किसके नाम पर? एक काल्पनिक रामराज्य के नाम पर। आपने राम के साथ नाइंसाफी की है, आपने उनके प्रस्तावित जो उस वक्त रहा होगा रामराज्य, उसके साथ नाइंसाफी की है, और आपको शर्म आनी चाहिए। एक ऐसे दौर में जब कश्मीर को एक लंबे अरसे तक ब्लैकआउट में रखा गया, पूरी तरह से पारदर्शी रवैया बिल्कुल नहीं था, एक ऐसे दौर में जब आप अपने देश की आर्थिक समस्याओं को स्वीकार करने से मना कर रहे हैं, जब पुलिस की बर्बरता की नित दिन मिसालें आती हैं सामने उभर कर, जब हमारे धार्मिक ठेकेदार, हमारे विधायक, हमारे सांसद हमारी बच्चियों का बलात्कार करते हैं और सरकार उसकी आलोचना के लिए एक उंगली तक नहीं उठाती, तो आप रामराज्य कैसे लाएंगे दोस्तों? बहरहाल मेरी आप सबसे अपील कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और न्यूज क्लिक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।